चंबल की बदनाम छवि को बदलने के लिहाज से उत्तर प्रदेश के इटावा के बिहड़ों में स्थापित की गई लायन सफारी में एक साथ तीन शावकों की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। सफारी प्रबंधन तीनों शावकों की मौत को छिपाने में जुटा रहा है, लेकिन भला हो पशुपालन विभाग का जिसने सफारी प्रबंधन की कलई खोल दी। पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी की माने तो इटावा लायन सफारी में सोना नामक शेरनी ने पांच शावकों को एक के बाद एक करके जन्म दिया है, लेकिन तीन शावकों की मौत हो गई है। पशुपालन विभाग ने तीन शावकों की मौत की पुष्टि कर दी। पशुपालन विभाग तीन शावकों की मौत की पुष्टि इस बाबत कर सका क्योंकि उसने तीन शावकों की मौत के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम कराया। बता दें कि 6 जुलाई को दोपहर 1:53 पर सोना नामक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। एक एक करके सोना नामक शेरनी ने पांच शावकों को जन्म दिया, लेकिन अब इसमें से तीन शावकों की मौत हो गई है। दुनिया में किसी भी शेरनी के 77 घंटे में पांच शावकों को जन्म दिया है, जो कि पहली घटना मानी जा रही है, लेकिन अब मौत से दुखों का पहाड़ भी आ गया है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। दरअसल पूरे मामले पर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि इटावा लायन सफारी में शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी सरकार अन्य जानवरों को बढ़ाकर इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफारी को पर्यटन के लिए पूरी तरह खोलकर इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ाएं व सपा सरकार के समय दिए गए रखरखाव के कॉर्पस फंड व टिकट की संख्या में भ्रष्टाचार रोके। बता दें कि गुजरात के अतिरिक्त एशियाई बफर शेर का एकमात्र प्रजनन केंद्र इटावा में है, जहां इनका प्रजनन लगभग प्राकृतिक परिवेश में संपन्न हो रहा है। प्रजनन हेतु जोड़े बनने से पूर्व इनका अनुवंशिक विश्लेषण यहां के बायोलॉजिस्ट, पशु चिकित्सक और उच्च अधिकारी कर चुके हैं, लेकिन अब मौत पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।